प्रयास, आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। मैं माय भारत संगठन में रजिस्टर कराने वाले सभी युवाओं का आज विशेष अभिनंदन करता हूं। और मैं देख रहा हूं माय भारत में रजिस्ट्रेशन में हमारे युवा और हमारी युवतियां दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है कौन ज्यादा रजिस्ट्री करवाए। कभी युवक आगे निकल जाते हैं, कभी युवतियां आगे निकल जाती हैं, बड़ी जोरों की स्पर्धा चल रही है। साथियों, हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करे। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसरों का आसमान खोला जाए। सरकार इसके लिए हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम कर रही है। देश में ड्रोन सेक्टर के लिए नियम सरल बनाए गए हैं। सरकार आज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। एटॉमिक सेक्टर, स्पेस और मैपिंग
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस देश को और हम सबको यह अवसर दिया कि हम गौरव करें आज के भारत पर, उस भारत पर। के साथ आभार और अभिनंदन प्रधानमंत्री महोदय का जरूर होना चाहिए और मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार पूरी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ आइए उस विभूति का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें इस प्रदेश को जिन्होंने एक नई ऊंचाई दी है, युवाओं को सम्मान से और आत्माभिमान से जीने का अवसर दिया। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का स्वागत, अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करें। और बुराइयों से और उन विकृतियों से मुक्ति दिलाई है जहां उनके मन में हीन भावना पैदा होती थी, आज वो अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य से अपनी बात को रखते हैं। तो एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय सांसद, हम सबके और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, करतल ध्वनि, तालियां आप सबकी तरफ से आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन वंदन में। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, क्षेत्र में पिछली सरकारों से दोगुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वो किसके लिए हैं? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है वो किसकी सहूलियत के लिए? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। हमारे लोग विदेश जाते थे, वहां के पोर्ट, वहां के एयरपोर्ट देखकर सोचते थे कि भारत में ऐसा कब होगा। आज भारत के एयरपोर्ट्स दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट का के रूप में रहा है, लेकिन आजादी के बाद इन्हें ऐसे ही भुला दिया गया। आज दुनिया इन्हें स्वीकार कर रही है। आज भारत का युवा योग आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। साथियों, आप अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि उनके दौर में रसोई में बाजरे की रोटी, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, यही तो हुआ करता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता में इस अन्न को गरीबी के साथ जोड़ दिया गया, इन्हें रसोई से बाहर कर दिया गया। आज यही अन्न मिलेट्स के रूप में, सुपर फूड के रूप में वापस रसोई में पहुंच रहे हैं। सरकार ने इन मिलेट्स को, मोटे अनाज को श्री अन्न की नई पहचान दी है। अब आपको इन श्री अन्न का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। श्री अन्न से आपकी सेहत भी सुधरेगी और दोस्त देश के छोटे किसानों का भी भला होगा। साथियों, आखिर में मैं एक बार राजनीति के माध्यम से देश की सेवा की भी करूंगा। मैं जब भी ग्लोबल लीडर्स या इनोवेटर से मिलता हूं तो इनमें मुझे एक अद्भुत आशा दिखती है।
इस आशा की, इस आकांक्षा की एक वजह है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इस भागीदारी के कई तरीके हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार वोट डालेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स। हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं, इसलिए वोट करने के लिए आपका नाम लिस्ट में आए इसके लिए जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। आपके पॉलिटिकल व्यूज से ज्यादा जरूरी है कि आप देश के भविष्य के लिए अपना वोट डालते हैं, अपनी भागीदारी कराते हैं। साथियों, अगले 25 वर्षों का यह अमृतकाल आपके लिए कर्तव्य काल भी है। जब आप अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको कुछ सूत्र याद रखने होंगे। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करिए। किसी भी तरह की ड्रग्स और नशे की लत से बिल्कुल दूर रहिए, इन्हें अपने जीवन से दूर रखिए। और माताओं, बहनों, बेटियों के नाम अपशब्दों का, गालियों का इस्तेमाल करने का जो चलन है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसे बंद करवाइए। मैंने लाल किले से भी इसका आग्रह किया था, आज फिर से दोहरा रहा। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब हमारे देश का एक एक युवा अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सामर्थ्य से पूरा करेगा। सशक्त, समर्थ और सक्षम भारत के स्वप्न की